माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू 2013 से लेकर 2021 तक लगभग दो गुना हुए, उसी दौरान प्रॉफिट्स लगभग तीन गुना हुए, लेकिन अगर हम उसी टाइम पीरियड का स्टॉक प्राइस देखें तो वो लगभग 10 गुना हुआ। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे आती है हमारे लिए दो लर्निंग्स। पहली बात तो 2014 के स्टार्टिंग में सत्य नडेला वहां पे सीईओ बने थे, तो जब भी इस तरीके का कोई मैनेजमेंट चेंज होता है तो मार्केट्स उसको इनिशियली काफी अच्छी तरीके से परसीव करती हैं, यानी कि शायद कुछ टर्न अराउंड पॉसिबल है यहाँ पे, तो उसकी वजह से मार्केट ने कुछ प्रीमियम देना शुरू किया। दूसरा, यहाँ पे पीई एक्सपेंशन हुआ, जिसे हम कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो अगर पहले लोग 20 दे रहे थे तो आज वो 40 या फिर 50 देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब ये जो अर्निंग्स हैं ये और ज्यादा तेज होकर मल्टीप्लाई होंगी। तो जब भी कोई कंपनी ग्रो करना शुरू करती है, कोई भी एक टर्न अराउंड स्टोरी आती है, तो वहां पे पीई एक्सपेंशन भी होता है। तो इस तरीके का स्टॉक प्राइस हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पे रेवेन्यूज या प्रॉफिट्स तो कुछ अमाउंट से बढ़ते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अमाउंट से स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है।